एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से आ गए राइज ऑफ द टॉम्ब राइडर, नहीं सॉरी, शेडो ऑफ द टॉम्ब राइडर में, उसी जगह पे जहाँ पर हमारा प्लेन क्रैश हुआ था। और प्लेन क्रैश होने के बाद हमें कैंप मिला था। तो यहाँ पर एक क्रिप्ट को देखा मैंने मैप में, तो मैंने सोचा कि एक्सप्लोर कर लेते हैं, पास में ही है। तो मैं तुरंत फास्ट ट्रेवल करके यहाँ आ गए हूँ और जल्दी से चलते हैं, इसे एक्सप्लोर करते हैं, इसको जल्दी से तोड़ देते हैं रो पैरों से। ये कैसा ग्लिच यार, मतलब वाला लकड़ी का टुकड़ा नहीं निकला इसलिए ऐसा दिख रहा था। मुझे एक पल के लगा था दोबारा एम करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अच्छा हुआ नहीं हुआ, नहीं तो अनोइंग हो जाता। मैं यहाँ धीरे धीरे चल रहा हूँ जैसा कि आप देख रहे हो। तो उसका रीज़न ये है कि आप लोग जानते हो यार, मैं डरता हूँ, मैं आलसी इंसान हूँ, मैं मरना नहीं चाहता बार बार गेम में। Careful, careful. लाइफ में तो मरने का छोड़ दो यार, एक ही होता है। तो हम ऐसा जगह कभी नहीं जाते रियल लाइफ में, कितना भी खजाना रहे यार, मर जाएंगे तो कोई मतलब नहीं देगा। तो लेफ्ट साइड का बार हट गए हैं और हम उस साइड जाकर एक्सप्लोर करेंगे। अभी जो भी है क्रिप्ट के अंदर का सामान वो लेंगे, मकड़ी का जाला। बाप रे, यहाँ पर हर जगह कीचड़ है, दलदल है। Wonder where this will lead. मैं भी वही सोच रहा हूँ कहाँ ले जाएगा रास्ता याला। तो ये ट्रैप को कट कर देते हैं। मैं इस गेम में बहुत डर गया हूँ खेलते खेलते, मतलब ट्रैप से, कभी कहीं से भी कुछ भी आता है। तो ट्रैप वाले स्किल को अनलॉक करना मेरे लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो ये म्यूरल डिसाइपर हो गया, इस साइड देखते हैं। मेरे को ऐसा लगा एक पल के लिए ट्रैप था, तो वो देखते हैं। अच्छा हुआ लक्की थे हम ट्रैप नहीं था, पता नहीं मैं रिएक्ट कर पाता कि नहीं टाइम में। अच्छा, तो ये वही इवनिंग स्टार वाले कपड़े का बूट है। तो अगर इवनिंग स्टार के केप वाला क्रिप्ट वीडियो नहीं देखे हो तो देख लो, अच्छा लगेगा आई होप आपको, छोटा सा वीडियो है। तो हम उधर से वापस नहीं जा सकते क्योंकि जानते हो, देखा जैसे कि अभी आपने, फिसल पट्टी बन गया है वो रास्ता। तो हमारा सप्लाई फुल हो चुका है, ऊपर चढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से रास्ता मिल ही जाएगा, यहाँ पर हम फंसेंगे नहीं, इतना तो ये बात पक्का है। Got to be the way up. तो ये जैसे कि मिल गया हमको रास्ता, रो पैरो, बहुत बढ़िया। इतना रियलिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट करे ना यहाँ पर, ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे इस गेम की। मतलब जो भी चीज आसपास हो रहा है, जैसे अभी हम जंगल में, तो उसका एनवायरनमेंट, खासकर जैसे कि पिछले गेम प्ले में हमने देखा था, हम वहाँ पहुँच गए थे मतलब सिविलाइजेशन एरिया में, तो वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, लोग अच्छे हैं। ओह नो, बाल बाल बचा, आगे भी है भाई, देख के जंप लेना पड़ेगा मुझे आला। मुझे इस गेम में ना ट्रैप का डर सबसे ज़्यादा रहता है, कोई हमें नहीं मार सकता इतना। ये क्या है भाई? This seems to describe a hidden chamber nearby. Hidden chamber है आसपास कहीं? अच्छा ये तो रहा hidden chamber, काहे का hidden chamber यार? सामने ही है तो। I don't have enough space for that. तो hidden tomb का लोकेशन मिला, चलिए इसको भी एक्सप्लोर करते हैं अभी।
आई होप कि कुछ तो यूज़फुल मिलेगा ही। तो सप्लाई मेरे पास बहुत सारे सप्लाई फुल हो चुके हैं। आई थिंक मर्चेंट आ गया है तो हमें उसे सेल कर देना चाहिए अभी। तो सेल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हर बार हम फुल रह के नहीं घूम सकते। तो ये वही बाजू वाला रास्ता होगा जहाँ से हम बाहर निकलेंगे। हाँ वही रास्ता है। चलो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं और सीक्रेट टूम की तरफ बढ़ते हैं। पता नहीं कौन सा स्किल मिलेगा, मतलब सीक्रेट टूम एक्सप्लोर करना बहुत अच्छी बात है। एक तो स्किल मिल जाता है, और क्या चाहिए। और साइड मिशन करने से ये बात अच्छा है कि हमें नए नए वेपन्स मिलते हैं, वेपन हो या कुछ वेपन के अपग्रेड हो। मैं हर बार नहीं बता सकता कि वेपन मिलेगा या नहीं, कंफर्म नहीं है ये तो। कुछ अटैचमेंट मिल सकता है। हार्ट शॉट, तो हार्ट में हिट करने से तुरंत मर जाते हैं वाइल्ड एनिमल। मरेंगे यार, कोई भी मर ही जाएंगे। वहाँ पर मरा हुआ कैपिबारा पड़ा है और चैलेंज टूम दिखा रहा है नियर बाय, तो वहीं चलेंगे हम। देखते हैं क्या है, कैसा है। मार्क लगा देता हूँ मैं, तो थोड़ा ठीक रहेगा। बिना मार्क के भी मूव कर सकते हैं, लेकिन जंगल है आला और मुझे आइडिया नहीं है इस जगह में, इस जगह के लिए माई मीन। तो ये पहुँच गए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है सामने ही था ये तो रास्ता। अब रास्ता सामने मिल गया ना, इसके अंदर का जो क्विज होगा, क्विज नहीं रीडल होगा ना, वो ज़्यादा ट्रिकी होगा। मैं नॉर्मल में खेल रहा हूँ तो ठीक है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब नॉर्मल भी हार्ड है देखा जाए तो। कॉम्बट वॉम्बट में नहीं। ओह माय गॉड, बस यही होना बाकी रह गया था। मतलब ये वाला तो स्क्रिप्टेड था, लगा पूरा स्क्रिप्टेड। मुझे लगा मर जाएंगे, लेकिन गिर गई ना। हाँ समझ गया, स्क्रिप्टेड था। तो इस साइड चल के देखते हैं क्या क्या दिखता है हमें। म्यूरल है सामने, इसको डिसाइफर कर लेते हैं पहले। कहाँ का स्टैचू, कैसा। अच्छा जो बीच में पड़ा है। तो ये सामने लिफ्ट है, नीचे कुछ ट्रैप जैसा लग रहा है और हम इसको यहाँ तोड़ नहीं सकते, क्योंकि तोड़ेंगे तो लिफ्ट नहीं होगा एक तो पहली बात, और दूसरी बात वो तरीका ही नहीं है। एट मिल रहा है वेपन अपग्रेड के लिए। तो मुझे ये सब फिगर आउट करने के लिए टाइम लग गया था काफ़ी इस पजल में नहीं इसके आगे वाले पजल में। तो मैंने बहुत सारे कट्स लगाए हैं, तो गुस्सा मत होने ज़्यादा, क्योंकि अगर कट्स नहीं लगाता तो वीडियो 10-15 मिनट और लंबा हो जाता। तो बेस कैंप भी मिल गया है यहाँ पर नया, ये अच्छी बात है। और देखते हैं आसपास हमें क्या क्या देखने को मिलता है इस जगह के। ये बहुत अच्छा सीन है, इस सीन के लिए तो एक लाइक बनता है। तो नीचे से जाना होगा क्योंकि देख रहे हो पानी भरा है पूरे एरिया में। हाँ मैं यही ढूंढ रहा था। यहाँ पर आधे ज़्यादा रास्ते या कुछ कुछ चीज़ें ऊपर मिलते हैं, मैंने ये चीज़ नोटिस करा इस गेम में। शेडो ऑफ द टूम रेडर में अगर कुछ चीज़ नहीं मिल रहा है आपको और आप ढूंढ रहे हो तो ऊपर पहले देख लो।
Amazing. Is this a pocket top quart? तो ये भाई हमें यहाँ पर मिल गया एक बहुत बड़ा पजल, जिसको समझने में मुझे अच्छा खासा समय लग गया था और मैंने काफी सारे कट्स डाले हैं वीडियो में। तो ठीक है, मैं स्मूथ रखने की कोशिश करूंगा कट वगैरह को, ट्रांजिशन वगैरह डाल के। तो भाई मैं इस एरिया को देखना चाह रहा हूँ पहले, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सब चीजें बहुत अराउज कर देता है मेरा क्यूरियोसिटी को, हर बात में गलत मत समझो। तो ये बाहर का रास्ता है बाहर जाने का, तो यहाँ पर अभी तो काम नहीं है क्योंकि अभी तो हम अंदर आए हैं। ये सबको मैं नहीं छोड़ सकता यार, जो भी है वेनम वाले। अच्छा तो स्टैच्यू ऊपर चले गया, वो शूट। अच्छा लिफ्ट को लॉक करना पड़ेगा यहाँ पर पिछली बार की तरह। ये हालात लॉक है सामने हमारे, ये दोनों स्टैच्यू ऊपर है और ये लैडर को उठाना है हमें। तो मैं जैसा कि यहाँ पर पड़ा हुआ था सामने वाले लिफ्ट में लॉक, तो लॉक को हटा दिया। लॉक को हटाती क्या हुआ, जैसा कि हम सभी को पता था लिफ्ट ऊपर चले जाएगा। लिफ्ट ऊपर जा चुका है तो मैंने सोचा कि अब यहाँ पर लगा देता हूँ दोनों रस्सी को, बाइंड कर देते हैं। बाइंड करने के बाद यहाँ पर मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से बाइंड करने के बाद ऊपर चढ़ के देखते हैं दूसरे वाले, मतलब पहले ही वाले लिफ्ट को गिराएंगे नीचे। लेकिन हम उतरेंगे तो फिर से ऊपर चले जाएगा याला। तो ये थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब ऐसा पजल जो दिमाग का यूज करने के लिए मजबूर करता है। मजबूर वाली बात नहीं है, मतलब हम जो चीज़ डेली करते जाते हैं वो हैबिट बन जाता है, और एक और जो एक बार हैबिट बन गया ना तो उसके बाद वो बहुत कम इम्प्रूव होता है अगर हम डेली कर रहे हैं। तो मान के चलो हम पहले दिन गाड़ी चला रहे हैं, मान के चलो हम शुरू शुरू में गाड़ी चलाना सीखें, तो उस समय हम सब चीज़ ध्यान देते हैं, मतलब क्लच कब दबाना है, गियर कब डालना है, गियर कब बढ़ाना है, गियर कब कम करना है। लेकिन फिर कुछ समय बाद जब अच्छे से सीख जाते हैं, कुछ महीने या कुछ दिन, मतलब महीने या दिन से नहीं बोल सकते हैं, मतलब कितना टाइम हम गाड़ी चला रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके बाद आदत बन जाता है। फिर से यहाँ पर एक ट्रैप है, इसको कट करेंगे, तो उसके बाद आदत बन जाता है, मैं बोल रहा था हैबिट वाला। तो उसके बाद हम मतलब सबकॉन्शियसली कर लेते हैं वो चीज़ क्लच गियर, हमको ध्यान नहीं देना पड़ता। तो यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट क्यों दिखा रहा है नहीं पता, मैं नहीं समझा इस गेम के हर मैकेनिक्स को। तो मैं फिर से लिफ्ट को हटा रहा हूँ क्योंकि लिफ्ट काम नहीं आएगा ऐसा। और मैं इसको यहाँ से एम कर रहा था लेकिन सामने लिफ्ट है, मतलब लॉकर है यार, लॉक करने वाला सामान है, लॉक है, लिफ्ट बोल रहा हूँ जब से। तो इसको यहाँ बांधते हैं यहाँ पर और अब चलते हैं, लिफ्ट को उठाते हैं, लॉक को सामने रख देते हैं। लेकिन पहले और अब लिफ्ट को नीचे गिराएंगे हम। तो रस्सी टूट गया एक साइड का शायद,
ओके तो मैं अब समझ रहा हूँ पजल थोड़ा थोड़ा सा। हमें कार्ड को इस साइड लाना पड़ेगा इसको लॉक करने के लिए, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब वो उठ रहेगा। खैर कोई बात नहीं। हम इसी कार्ड को आगे कर लेते हैं और उस साइड वाले कार्ड को खींच लेंगे। इसको खींच लेते हैं अब। समझने में बहुत टाइम लग गया, पता नहीं हार्ड डिफिकल्टी होता तो क्या होता, मेरा 1 घंटा लग जाता सॉल्व करने में, या ज्यादा भी लग सकता है, भरोसा नहीं है मेरा। ये सब चीज में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं सबसे ज्यादा पजल, हार्ड पजल वाला गेम खेला था बोलने से पोर्टल और पोर्टल 2, लेकिन वर्थ इट गेम थे दोनों। अगर आपने नहीं खेला है तो जरूर खेलना। तो भाई हो रहा है हमारा प्रोग्रेस, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है। और मेरा ड्रेस कैसा है ये बात बताओ। मैं ड्रेस में इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैं जंगल में शिकार कर रहा था, क्योंकि इस वाले ड्रेस में हमें बेनिफिट मिलता है, एक्स्ट्रा हाइड और जो भी सप्लाइज मिलता है एनिमल्स से, जैसे कि पेट हो गया वो। तो लॉकर भी सेट है, रस्सी भी बांध दिए हैं। जल्दी ऊपर चढ़ते हैं और लिफ्ट को वहाँ लॉक करते हैं। आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे। तो अगर मेरे को हेल्प करना चाहते हो इम्प्रूव होने के लिए तो आप कमेंट बिल्कुल कर सकते हो। तो अब लैडर फाइनली सेट हो चुका है और हम ऊपर चढ़ रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हो। यहाँ पर कुछ और खास चीज मिलेगा क्या, मतलब जिस चीज के पीछे आए उसको छोड़कर? कुछ नहीं है यहाँ पर। जंप लेना है अभी हमको। बहुत बढ़िया, देखते हैं कौन सा एबिलिटी मिलता है अभी हमको। I have to find a way out. Cayman's heart. हेल्थ रिजनरेट्स मोर क्विकली। बहुत अच्छा एबिलिटी लग रहा है तो सुन के, और हेल्थ रिजनरेट जल्दी होगा तो ये अच्छी ही बात है। तो अभी जल्दी से यहाँ से बाहर चलते हैं, साइड में देख लेते हैं कुछ है तो नहीं। बीटल को मारना जरूरी यार, मतलब उसको सेल भी कर दोगे तो अच्छा खासा प्राइज मिलेगा। तो जल्दी से एम करते हैं, रो पैरों और निकलते हैं यहाँ से। तो यही था आज का गेम प्ले वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।